हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एम जी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को करेंगे हम +30 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को भी यहाँ से करेंगे हम +30 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -40 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -30 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -21 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन को यहाँ से करेंगे हम -80 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -25 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब इस फोटो की हम थोड़ा सा लाइट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हाइलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करते हैं। तो इसे रखते हैं -10 एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10। तो गाइस, जो हमारी फोटो का लुक है वो काफ़ी अच्छा हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को अपने फोटो के क्वालिटी के हिसाब से इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ 30 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो डीएच की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +7 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो विनियट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -46 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को हम कर देंगे 0। तो गाइस, मीट पॉइंट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम 75। अब इस फोटो को हम स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं 15 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 18 एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 10। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।